हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कोई नया बिजली शुल्क प्रस्तावित नहीं किया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN और हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN दोनों कंपनियों ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC के सामने ARR दायर कर दी है। इसमें कंपनियों ने 35,000 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं ARR का प्रस्ताव दिया है। इसमें USBVN द्वारा दायर 17,33,000 करोड़ रुपए भी शामिल है। हरियाणा में 2021-22 में लगाए गए और वापस मिल गए ईंधन अधिकार समायोजन शुल्क FSA को छोड़कर कंपनियों ने 3 सालों से बिजली के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हरियाणा में बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ाए जाने की वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में बिजली को लेकर विपक्षी दल खासकर आप सरकार पर लगातार हमला करती रहती है। इसकी वजह है कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में आपकी सरकार है, यहां जीरो बिजली का बिल लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाकर सरकार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती।